मैडम सर का है? अरे उनका फोटो छपा अखबार में। हम कैसे लग रहे हैं? यही कैसे, आप कहाँ हैं? मैडम सर का छपा आपका नहीं? नहीं मगर हम भी तो खड़े थे ना यहाँ बाई तरफ। यहाँ माँ फोटो में कहाँ है? यहाँ इस तरफ थे ना। ठीक देखो और दिख रही है यहाँ से। दिखा चीते तुम्हारे लिए पता है क्या क्या करना पड़ रहा है? संतू को सपना आया था कि यहाँ पे केस सॉल्व हुआ और तुम आ गए, तो हमने सोचा संतू का सपना सच करते हैं और फटाफट हमने ये इलीगल हथियारों वाला केस सॉल्व किया और देखो ड्यूटी पे तुम वापस आ गए। नहीं मैडम, वहाँ पर भी बड़ा शिद्दत से ड्यूटी ही कर रहे थे हम मैडम। हाँ शिद्दत से सो रहे थे। अरे बम्बिलार क्या बोल दिया तुम। अरे वो बताई ना वो। हाँ हाँ जलेबी बाटी ना, इसके आने की खुशी में जलेबी बाटी। माँ जलेबी किसी बाटी, मुझे नहीं मिली। वो तो है अपना चीता जो वापस आ गया है, उसकी खुशी में ऐसे 200 जलेबियां कुर्बान। हाँ लगा दीजिए सबको डायबिटीज। जब भी कुछ भी बोले ना बस बात काटनी होती है। एक मिनट पुष्पा जी, अरे बस इना हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है। हम जानते हैं कि हमको बहुत टाइम हो गया, आप लोग का नोक झोंक है, इसको मिस भी कर रहे थे हम। इसका ही मतलब नहीं सारा परफॉर्मेंस आज ही दे दीजिएगा आप लोग। मतलब हमारा रिक्वेस्ट है, नहीं कीजिए। अभी तो आज ही आए हम ड्यूटी पर, मतलब थोड़ा ड्यूटी ज्वाइन कर लें, अपनों से मिल लें, अपनों से बात कर लें, अपनों के साथ समय बिता लें। संत जी तो ऐसे ऐसे आ रहे थे हम। हाँ मैडम, वो आप मैडम सर की फोटो का कुछ जिक्र कर रही थी। हाँ फोटो छपा ना उनका अखबार में, देखो ये देखो। हाय हाय ये कैसी फोटो है? मैडम सर की तो डिंपल भी नहीं दिख रहे, थोड़ी अच्छे से स्माइल वाइल करके फोटो छपवानी चाहिए थी ना। ये कैसी फोटो दे दी मैडम सर? ये मासूमियत। संतु जी मुद्दा ये नहीं है कि मैडम सर का कैसा फोटो छपा हुआ है, मुद्दा ये है कि मैडम सर के बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है। हाँ ना 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 हम पढ़ते हैं। पढ़िए जोर से पढ़िए। हाँ हम पढ़ते। महिला थाने की सुना ना, महिला थाने की जानी मानी SHO हसीना मलिक ने किया गैर कानूनी हथियारों के एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश, पकड़ा अवैध हथियारों का बहुत बड़ा खजाना। गूंज रहा है मैडम सर के जय जयकार से पूरा शहर आज जलखुकड़ों के मुंह में खाक। महिला थाने से हुई SHO अमर विद्रोही और उनके स्त्री विरोधी कांस्टेबल की छुट्टी, महिला थाने पर फिर हुआ महिलाओं का राज। ये क्या बकवास है, ऐसे कौन छापता है? लाइए पेपर लाइए। अरे ये वो हेडलाइन है जो थोड़े दिनों में छपने वाली है। हाँ फ्यूचरिस्टिक। वैसे वो कहाँ है मैडम सर? अमर सर दोनों दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं दोनों? डेट पे गए। कहाँ? अमर सर के साथ डेट है। इनका मतलब है कि हसीना मैडम तो वो इल्लीगल आर्म्स केस के चक्कर में कोर्ट के डेट पे गई हैं। अरे हाँ। और अमर सर वही डेट पर जहाँ अमर संतु जाते हैं। हाँ। हम तो आ गए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। देखिए हम तो अपनी कोर्ट की डेट पूरी करके आ गए, लेकिन अमर सर का भरोसा नहीं, वो अपनी डेट से सीधा शादी करके भी आ सकते हैं ना। डेट मतलब अमर सर भी शादी करना चाहते हैं? भी का क्या मतलब है? हमने सिर्फ वो नाटक किया था केस के सिलसिले में, सच में शादी करने का कोई इरादा नहीं है हमारा। नहीं नहीं आपका नहीं, मेरा तो इरादा है ना, मैं शादी करना चाहती हूँ। उफ ये मासूम इरादा। नहीं नहीं वैसे अमर सर का भी कोई इरादा नहीं है, वो तो क्या बंटी हमेशा ब्लैकमेल करता है तो उसके चक्कर में जाना पड़ता है, वरना अमर सर तो ऐसे पछड़ों से दूर ही भागते हैं। छोड़िए मेरा प्लीज, देखिए मेरा हाथ छोड़िए नहीं तो। सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, समझिए तो सही, ऐसा भी क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? ऐसा क्या मांग लिया मैंने आपसे? क्या मांग लिया पहले डेट में? ये कौन मांगता है, एक बार सोच तो लेती, बोल क्या रही हैं आप? मुझसे मांग लेती? देखिए मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं शोर मचाऊंगा, आपकी बेइज्जती होगी, सोच लीजिए प्लीज। ऐसा क्या मांग लिया लड़की ने जो अमर सर इतना भड़क रहे उसपे? अरे जो भी है पुष्पा जी, हमारे लिए तो अच्छा हुआ ना, पासा एकदम पलट गया है। पहले नाव पानी में था, अब
पानी नाव में है। है, मतलब? मतलब ये कि अमर सर प्लान बना रहे थे ना हसीना मैडम की शादी कराने का, फिर वो दोनों जो है गुरु चेले वो मिलके यहाँ पे राज करते, अब हम शादी कराएंगे इनकी और इनको फंसाएंगे शादी के चक्कर व्यू में और राज करेंगे हम सब यहाँ पे हमारे थाना में। हाँ। क्या बोलती पब्लिक? संतू, हाँ चलो जितनी तुम चलना। हाँ मैं चलिए, हम आते चलिए, चलिए बैक टू वर्क। हाँ ये तो वर्क टू बैक है। चलिए एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी, आपका नाम जान सकते हैं? प्राची। प्राची, अभी जो थाने में हुआ वो कुछ समझ में नहीं आया, आप अमर सर के साथ डेट पर गई थी? हाँ हाँ गई थी मैं अमर सर के साथ। हाँ तो अगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्हें मंजूर नहीं है रिश्ता, और वो आप में अपनी लाइफ पार्टनर नहीं देख रहे, तो फिर भी आप उन्हें बार बार फोर्स क्यों कर रही थी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उन्हें बहुत पसंद हूँ, उन्होंने खुद से मुझे कहा कि उनके पसंद की सारी बात है मुझ में, पर जैसे ही मैं उनसे वो बात कहने गई जो मुझे उनसे कहनी थी, वो गुस्सा हो गए मुझसे, वो नाराज हो गए, भाग खड़े हुए। देखो ऐसा बात है ना कि जो भी बात है ना तुम हमको बता सकती हो, तुम जो भी चाहिए तुम्हें तुम्हारी लाइफ में वो हम तुमको दे सकते हैं, अगर तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और वो क्या बात है। सच में? सच में ऐसा भी हो सकता है? करिश्मा सिंह कह रही है आपको, और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है, इन्होंने कहा है ना तो आपकी शादी अमर सर से ही होगी। क्या शादी आपसे? ये सब किसने कहा? मुझे मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। एक मिनट, शादी नहीं करना है मतलब? तो फिर क्या हो रहा था थाने में? हमने देखा था तुम वो उनसे बात कर रही थी, शोर शराबा हो रहा था बहुत, तो वो सब का चल रहा था? अरे पैसे मांगे थे मैंने उनसे, 543,210 रुपए। यही सुनकर तो गुस्सा हो गए अमर विद्रोही सर। एक मिनट, हाँ मैडम यहाँ तो खाने में ट्विस्ट है। मेरा मतलब है कि हमें तो कुछ और लग रहा था, मामला कुछ और ही है कि अमर सर के साथ उनके पैसों के चक्कर में ये हानि का नहीं मनी का मामला है। कितनी लालची है, एक ही मीट पे फर्स्ट डेट पे 5 लाख मांग ली। सुनिए मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं एक मिनट, हम ना समझ नहीं पा रहे हैं, तुमको तुम्हारे पैसे वापस चाहिए ना, वो हम दिलवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमें मामला समझाना होगा कि डेट पे जाने के कोई पैसे कैसे मांग सकता है। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल। क्या है? इसी के बारे में तो बात कर रही थी मैं, यही वो बिल है जिसका टोटल अमाउंट 543,210 रुपए, यही तो मांगे थे अमर सर से। एक सेकंड, मतलब इतना आप लोगों ने क्या खाया कि 5 लाख का बिल बना है? नहीं मैडम ये रेस्टोरेंट का बिल नहीं, ब्रेकअप का बिल है जो मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी हाल ही में मुझसे किया, और मुझसे कहा कि इस रिलेशनशिप में एक एक पैसा जो खर्च हुआ है उसे वापस चाहिए। ब्रेकअप बिल? ये क्या बवाल है? ब्रेकअप बिल ये क्या है? मैं और सूरज, सूरज मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे, पर अब हम अलग हो रहे हैं, और ये लिस्ट उसी खर्चे की है जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पे की थी, अभी उसे अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए। उसका कहना है कि कोई उसको बेवकूफ बनाए और उसकी कीमत भी अदा ना करे, वो उसको बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये कैसा केस? ये कैसा केस है? देखिए जरा, पहली डेट की कॉफी और स्नैक्स का बिल 720 रुपए और ऑटो का किराया 70 रुपए। क्या ये नहीं है? 2 दिन बाद फिर अगली डेट, म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड 250 रुपए, रिक्शा का भाड़ा फिर से 70 रुपए। अगले दिन पिक्चर देखने गए, 2 टिकट, 2 लार्ज कैरमल पॉपकॉर्न, 2 समोसे, 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 कोल्ड कॉफी, फ्राइज, बर्गर, स्मॉल पिज्जा। आप मूवी देखने गए थे कि खाना खाने गए थे? हाँ, ये सब का है, बड़ा टेडी, कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, गॉगल्स, पार्लर का खर्चा 3,000 रुपया। ऐसा क्या करवाती है शक्ल पे आप? दिखा दिखा, वो भी उसने भरा? हाँ। फोन का बिल 1.5 लाख रुपए? बाप रे। एक सेकंड, मतलब टोटल है 543,210 रुपए।
सारे पैसे मुझे अभी से वापस देने। पैसे तो मैंने भी खर्च किए ना रिलेशनशिप के दौरान, लेकिन मैंने कभी हिसाब नहीं रखा। देखो प्राची, रिलेशनशिप में हिसाब नहीं रखा जाता, तुमने कुछ गलत नहीं किया। आप सब मेरी मदद करेंगे ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे। थैंक गॉड आप सब लोग मुझे मिल गए, कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं। मैं अभी के अभी आपको उसकी बैंक डिटेल्स मैसेज करती हूँ, आप डायरेक्टली उसे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ एक मिनट, कौन क्या कौन ट्रांसफर कर दे? आपने कहा ना आप मेरी मदद करेंगी, तो पैसे ट्रांसफर करिए उसे। हम तुम टोपा हो क्या? नहीं मतलब हम कहा तुम्हारे लल्लू बच्चों के पैसे भरेंगे? आप ही ने तो कहा था कि मदद करेंगी, इन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि ये पैसे देंगी, इन्होंने कहा था ये आपकी मदद करेंगी, पैसे दिलवाएंगी। हाँ। सही बात है तो दिलवाइए ना। हे बोरा गई हो तुम बिल्कुल ही, हम कहाँ से तुम्हारे पैसे देंगे? लड़की हो या चूरन? एक मिनट रिलैक्स रिलैक्स, देखो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड की ऐसी बेतुकी मांगे पूरी करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। जरूरत है मैडम, सूरज को ये पैसे देने ही हैं। उसने मुझे एक वीक का टाइम दिया है, अगर एक वीक में मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। कैसे प्रॉब्लम्स? वो तो नहीं पता, पर मैं उसे जानती हूँ, वो ना बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए बहुत डेंजरस भी है। अच्छा ठीक है, देखते हैं ये क्या है, शार्प माइंडेड डेंजरस तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कोशिश करेंगे कि बातों से ही मामला सुलझ जाए और पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े। ओके? वो नहीं मानेगा मैडम। हम उससे बात तो करके देखे, आप घर जाइए, इत्मीनान रखिए, हम आपको अपडेट करेंगे। ओके ठीक है, आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? बस 5,43,210 रुपए आप रहने दीजिए, 200 दे दीजिए बस। नहीं एक्सक्यूज मी, वो बुक्ड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे दीदी सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। हाँ सॉरी। अरे सर आप चिपकर क्या फायदा है, सबने देख तो लिया आपको दरवाजे पर। अरे दीवान जी कितनी बार बताएं, कितनी चिपकू लड़की थी पता है आपको? खैर छोड़िए, ये महिला मंडली का क्या नया नाटक स्टार्ट हो रहा है। सर ये लोग आपका पैतरा आप पर ही आजमा रहे हैं, खुद अपने कानों से सुनकर आ रहे हैं। ये लोग आपकी शादी करा के इस थाने को हड़पने के चक्कर में है, और इस मिशन को लीड कर रही है करिश्मा मैडम, वही से आए ये कॉपी पेस्ट आइडिया। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं दीवान जी, चलिए आइए। चलिए मैडम। सर हमें क्या लग रहा है कि सूरज को पकड़ के लाते हैं, उसको डंडे का ताप दिखाएंगे ना, सब कैलकुलेशन उगल देगा वो। नहीं करिश्मा सिंह, ये जल्दबाजी होगी, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम दोनों पक्षों की कहानी सुन ले। चीता चतुर्वेदी बहुत छुट्टी मना ली तुमने, अब इस केस के तालाब से सच का मोती निकालने के लिए पहली छलांग तुम्हें मारनी होगी। तैयार है मैडम सर। गुड लक। थैंक यू मैडम सर। जय हिंद। हाँ संतु जी पहुँच गया चीते। हाँ संतु जी कब का पहुँच गए, आपको याद है उस दिन हम आपके कॉफी के मग में से एक बार कॉफी पी लिए थे? क्या क्या काफी हो गया, excuse me, ठंडी काम पे ध्यान दे, ड्यूटी है, ड्यूटी पे है ना, देखो सूरज से मिलने आए ना। और आज सूरज कहाँ? वो जेब्रा क्रॉसिंग। आज मैं तुम सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। संतु जी हम ना आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है ओके। ब्रेकअप होता है ना तो सबकी सिंपति लड़कियों को ही मिलती है, वही बेचारी लगती है सबको। क्या लगती है? बेचारी। सबको लगता है कि लड़का ही चालू होगा, उसी ने कुछ किया होगा। सबको ना लड़कियों के आंसू दिखते हैं, लड़कों को कोई पूछता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम रो नहीं सकते ना। अरे हम बता रहे हैं आपको, ब्रेकअप के समय सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है? हम लड़कों का। पैसे सबसे ज्यादा खर्च किसके होते हैं? लड़की को पटाने में सबसे ज्यादा पापड़ किसको बेलने पड़ते हैं? हमको। 24 घंटे फ्री सर्विस कौन देता है? हम। क्या है ना कि पहले ना हम भी आप लोगों जैसे गधे थे। गधे प्यार में। फिर ना हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर हम सख्त हो गए, सीधे हो गए, सीधे रास्ते पे आ गए, अभी हम ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास आपके सामने बैठे है। जानते हो कैसे? कैसे कैसे बताइए ना भैया। Excuse me, यहाँ सत्संग चल रहा है? कोई अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुमको बोल रहे नहीं ठल्ले। हमको बताइए। Excuse me अंकल जी, आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे ना सीनियर सिटीजन के लिए जगह नहीं है। क्या है आपकी एज में ना? लाइफ से ब्रेकअप होता है, गर्लफ्रेंड से नहीं। नहीं ठल्ले पकड़ ले बिल्लू अंकल, आप जाइए। हाँ तो हम
क्या कह रहे थे कि तुम अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं? गर्लफ्रेंड है? वही तो भाई साहब, जब हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी ना तो साल में 365 दिन भगवान से इसे मन्नत मांगते रहते थे कि भगवान हमको गर्लफ्रेंड दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो। एक दिन भगवान हमारा सुन लिया। अगर उस दिन भगवान हमारा नहीं सुना होता ना तो हमारा जिंदगी बर्बाद होने से बच जाता। क्या बताएं आपको, हमारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? हर 5 मिनट पर एक मैसेज करती है, 10 मिनट पर एक कॉल करती है कि बाबू क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वीडियो कॉल करके दिखाओ, हम दिखाते भी हैं। आपको पता है 20-20 मिनट पे हमसे पूछती है खाना खाए हो कि नहीं। अरे 20-20 मिनट पे खाना कौन खाता है यार, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, इंसान है कि राक्षस। पूछ रहे हमारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड है भाई साहब, और इसी बात का हमको सबसे ज्यादा दर्द है कि हमारी गर्लफ्रेंड है। क्या बताएं भाई साहब, हम किस दर्द में जी रहे हैं। जैसे ही रात को 11 बजता है ना, हमारा फोन भी बज जाता है, उनका फोन आता है, पूरा पूरा रात हमसे बात करती है, और सुबह होते ही क्या कहती है कि आइला चीते तुझसे बात करते करते पता ही नहीं चला रात कैसे निकली। कैसे पता नहीं चला, क्या समय नहीं देखती हैं आप? और पूरा रात बात करने के बाद ऐसा धतूरा जैसा शक्ल लेकर जब हम काम पर जाते हैं ना तो हमारे सामने शर्माते हुए आती है। उसके बाद से हमसे कहती है, चीते पता है तू ना पहले जैसे नहीं रहा, चीते तू ना आजकल बहुत ज्यादा डल हो गया है, तेरी शक्ल मुरझा गई। कैसे शक्ल पर चार्ज लाए हम, कैसे शक्ल पर चार्ज लाए, शक्ल पर चार्ज नहीं ला सकते क्या कि पूरी पूरी रात हम उनसे बात कर रहे हैं। असल में हम बात भी नहीं कर रहे होते, हम तो करवट बदल के सुन रहे होते हैं क्या कर रही है। 24 घंटा कचर पचर कचर पचर कचर पचर। क्या बताए भाई साहब, जैसे ही आई लव यू 2 आया ना हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी झंड हो गया यार। ब्रो सबका यही हाल है, ब्रो सबका एक ही पेन है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा, सख्त लौंडा। ब्रो इस डॉक्यूमेंट पे अपनी गर्लफ्रेंड का सिग्नेचर्स कुछ भी करके, बहला के फुसला के कैसे भी लेकर आ, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मैंने भी अपनी एक्स के साथ ऐसा ही किया था। लेकिन ये कैसा डॉक्यूमेंट है, कैसा साइन चाहिए आपको? एक्सपीरियंस, लव का लाइफ लॉन्ग लाइफ इंश्योरेंस, रिलेशनशिप एग्रीमेंट। हाँ तो ये लव रिलेशनशिप एग्रीमेंट का पहला शर्त शुरू होता है, ब्रेकअप से पहले 1 महीने का नोटिस देना होगा, नहीं तो ब्रेकअप स्वीकार नहीं होगा, अमान्य माना जाएगा। ब्रेकअप के कारण साफ और स्पष्ट बताने होंगे, कोई लाग लपेट, उदाहरण, फलसफा, इशारा नहीं, सीधा और सटीक कारण बताना होगा कि क्यों संबंध विच्छेद किए जा रहे हैं। वाओ वेरी नाइस, आगे तुम पढ़ो। हाँ क्या, ए बाप पढ़ो, ए पकड़। अफेयर के दौरान किसी और से प्रेम संबंध हुआ तो जुर्माने के तौर पर 1,00,000 रुपए की राशि का नकद भुगतान करना होगा। ब्रेकअप के बाद जिसकी तरफ से ब्रेकअप हुआ है उसे अपने पार्टनर को उसकी दी हुई सभी चीजें लौटानी होगी तुरंत, नहीं तो कानूनी कार्यवाही होगी। फिर आगे जो तय करेगा वो कोर्ट तय करेगा कि उसे क्या करना है। बाबा देखो तो कैसा चंट लड़का है ये, किसी भोली बाली बेचारी मासूम लड़की को बहला फुसलाकर ऐसा वाहियात से एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा लिए। अरे ऐसी कोई प्यार करता है? वही संतु जी बताइए। और ये लड़की भी, उसको भी तो अच्छे से पढ़ पढ़ा के एग्रीमेंट पर दस्तखत करने चाहिए थे ना। मगर एक बात बताए, ये प्यार भी ना ऐसी नामुराद चीज है। हाँ, 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 जब एक बार प्यार हो जाता है ना ये अक्ल पर ताले पड़ ही जाते। हाँ। और नहीं तो क्या, अब देखो हमारे लल्ला को ही तो ले लो, इतना सयाना समझदार होशियार लड़का, मगर इनसे प्यार हो गया, पड़ गया अकल पर पत्थर, फंस गया वो भी। एक मिनट, क्या फंस गया लल्ला आपके? नहीं कौन सा उनसे हमने एग्रीमेंट साइन कराया था? मंगलसूत्र तो पहना है ना, अरे वो क्या किसी एग्रीमेंट से कम है? आज तक किश्ते भर रहा है बेचारा। क्या बताए हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के बाग फूट गए। आपके लल्ला के बाग फूट गए, आपको हमसे परेशानी है, हमको यहाँ से जाना है, हम लल्ला की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे, 2 करोड़ रुपए निकालिए हम जाते हैं। आपके लल्ला के बाग फूट गए, आपको हमसे परेशानी है, हमको यहाँ से जाना है, हम लल्ला की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे, 2 करोड़ रुपए निकालिए हम जाते हैं। दे दीजिए पुष्पा, दे दीजिए। भख अरे हमारी लाडली हाथ नहीं पहुंच रहा, अरे करोड़ों में एक है हमारी बहू। हम हमेशा कहते आए हैं हमारी लल्ला के तो भाग्य खुल गए, हम ऐसे आ रहे थे। इसीलिए माँ मैं गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाता, क्योंकि जुर्माना देना होगा, खर्च करना होगा, इसीलिए। इस निठल्ले की तरह थोड़ी है मेरा, एक कुड़ी के लिए कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखता है ये। पर। तो अब तू हिसाब भी रखता है? हम हिसाब रखते हैं, लेकिन आपसे पैसा वापस लेने के लिए नहीं, कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया खर्च किया, एकदम
खूबसूरत याद के तौर पे। चुप हो जाओ, झूठा एक नंबर का। वो रिलेशनशिप वो गुरुजी नहीं है, सूरज गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, उनके सामने जो तूने सारी अपनी दिल की भड़ास निकाली है ना, सारी सुनी है मैंने। कोई भड़ास नहीं निकाल रहे, थमसन तुझे नहीं निकाला, नहीं सर नहीं निकाला, कुछ भी नहीं। क्या क्या बताएं भाई साहब, हम किस दर्द में जी रहे हैं। जैसे ही रात को 11 बजता है ना, हमारा फोन भी बज जाता है, उनका फोन आता है, पूरा पूरा रात हमसे बात करती है, 24 घंटा कचर पचर कचर पचर कचर पचर। क्या बताएं भाई साहब, जैसे ही आई लव यू 2 है ना, हमारी जिंदगी झंड हो गया यार। आ गया उठ पहाड़ के नीचे। संतोष जी, मैंने पहले ही बोला था ये लुच्चा है, ये निठल्ला है, इसे दूर रहो, लेकिन नहीं, कर लो ठिकाना। सबका एक ही पेन है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। इस डॉक्यूमेंट पे अपनी गर्लफ्रेंड के सिग्नेचर्स कुछ भी करके, फैला के फुसला के कैसे भी लेकर आ, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मैंने भी अपनी एक्स के साथ ऐसा ही किया था। इस अग्रीमेंट के जरिए हम प्राची को इंसाफ दिला सकते हैं।